ये BS6 बाइक है और कितना स्मोक कर रही है, क्या बुरा हाल हो चुका है इस बाइक का। ये BS6 बाइक है जो स्मोक दिखा रही है, और बाइक देखिए कितनी चली है, मैं आपको मीटर दिखाता हूँ, केवल 11,000 किलोमीटर चली है और इसने हमारी शॉप में भी धुआं धुआं कर दिया है। कितना एक बेकार रिजल्ट इस बाइक का आया है, जिसके अंदर पिस्टन रिंग की प्रॉब्लम आ चुकी है। BS6 बाइक है, देख सकते हैं आप, FI बाइक है, ठीक है। तो चलिए इसके आज हम रिंग पिस्टन कैसे डालते हैं वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यदि आप BS6 बाइक का पहली बार हेड सिलेंडर खोल रहे हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, कहाँ कहाँ पर क्या नट बोल्ट खोलने होते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखते रहिएगा कैसे हम इसको खोल रहे हैं। तो गाइज, हमने इस बाइक का हेड सिलेंडर तो खोल दिया है और इसका बाकी क्रैंक वगैरह बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइक अभी केवल 11,000 ही चली है। तो इसकी सिलेंडर किट है, इस पर सेंसर है, हम इसको खोल लेते हैं, क्योंकि हमें जो है अब इसका जो पिस्टन है वो बोरिंग कराना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पर सेंसर लगा होता है वहाँ पर एक होल होता है, देखिए वो वाला, वहाँ से इंजन ऑयल गर्म होकर जाता है और ये टेम्परेचर सेंसर अपना काम करता है। और उसके बाद जो हमारा हेड है उसको भी हम खोल देते हैं। इसके अंदर जो कैमशाफ्ट लगी है उसको हम निकाल देते हैं। इसकी जो कैमशाफ्ट होती है वो ओरिजिनल 750 रुपये की होती है, ये इसकी कैमशाफ्ट है BS6 की, देख सकते हैं आप। तो टॉप प्लेट को हमने खोल दिया है, अब जो 3 होल साइड प्लेट है उसको हम खोल देते हैं, और ये भी हमने खोल दी, यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट वगैरह सेम वही है जो पहले स्प्लेंडर प्लस में आती थी। और अब इसके जो रॉकर सेट है वो भी हमने खोल दिए हैं। यदि हम इसके रॉकर सेट की बात की जाए तो इसके रॉकर सेट वही हैं जो पहले स्प्लेंडर प्लस और डिलक्स वगैरह में आते थे। इनकी कीमत की बात की जाए तो 530 रुपये का जोड़ा है जो इसके रॉकर सेट हैं। तो अब हम इसके जो वाल है वो निकाल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बाइक जो है केवल 11,000 किलोमीटर चली है और अभी जो इसके वाल्व है वो वाल्व आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही कम जो है वाल्व अभी घिसे हैं। तो और इसका ये इनलेट वाल्व है, यदि हम इनकी कीमत की बात की जाए, इनलेट वाल्व 105 रुपये का होता है ओरिजिनल, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो 205 रुपये का। तो दोनों वाल्व सही है, तो हमने इसको चेक किया तो ये जो वाल जो है इसके अंदर सेम वही है जो पहले स्प्लेंडर प्लस या HF डीलक्स में आते थे। यहाँ पर हेड में थोड़ा सा बस चेंज किया गया है ये वाला हिस्सा, बाकी हेड पूरा का पूरा गंदा हो चुका है। और जो हम इस पर पिस्टन यूज़ करने वाले हैं वो डीलक्स वाला यूज़ करने वाले हैं। मैं बहुत कम ही स्प्लेंडर का पिस्टन डालता हूँ, क्योंकि ये जल्दी साउंड करता है और इसका रिजल्ट ही अच्छा नहीं आता। तो मैं यहाँ पर डीलक्स का पिस्टन जो है हीरो का यूज़ करने वाला हूँ। आपने साइज प्राइज इसका देख ही भी लिया होगा, 645 रुपये MRP है इसका, और इसमें रिंग भी होते हैं और पिस्टन और ये लॉक, और ये इसका पिस्टन है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर सेल का पिस्टन इसके अंदर निकलता है, ज़्यादातर इसके अंदर सेल का या फिर ओसा का पिस्टन निकलता है, देख सकते हैं जो इसमें 7 का पिस्टन निकला है वो ओसा का है, और ये 25 नंबर पिस्टन हम इसके अंदर डालने वाले हैं, आप देख सकते हैं इस पर 25 लिखा है। और अब हम इसका बोर वगैरह करा के लाते हैं। तो गाइज, हमने हेड को ग्राइंडिंग कर दिया है, हेड में जो ये हिस्सा था हमने इसको ग्राइंडिंग किया है अच्छे तरीके से और क्लीन किया है। और जो वाल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वाल मैं पुराने ही यूज़ करने वाला हूं, क्योंकि वाल लगभग इसके सही हैं, देख सकते हैं इस पर लिखा है UM, और
वाल दोनों ही इसके सही है। तो यही वाल जो है हम इसके अंदर दोबारा से डालने वाले हैं। अब यहाँ पर जो इसके अंदर हम डालेंगे वो डालेंगे वाल सील, क्योंकि जब भी हेड खोलें तो ये जो सील होती है ये नई डालें, क्योंकि यदि ये आपने पुरानी डाल दी तो हो सकता है बाइक का जो धुआं है वो बंद ना हो। अब ओरिजिनल की पहचान देख लीजिए, अंदर STA की स्टैंप लगी होती है जो आपने देख भी ली है शायद। और अब जो है हम वहाँ पर गाइड के ऊपर जो है इस सील को फिटिंग करेंगे। जब सील फिटिंग हो जाए उस तरह से दबाने के बाद उस पर एक छोटा सा जो है एक लॉक लगा होता है सील के ऊपर, जब भी इसको डालें तो उस लॉक का आप ध्यान जरूर कर लें। कई बार इसको दबाते समय वो लॉक ऊपर नीचे हो जाता है, देख सकते हैं लॉक प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं दोनों। और अब हम पहले जो है इसका इनलेट वाल लेते हैं, थोड़ा सा इंजन ऑयल से उसको लगा देते हैं उसके ऊपर, और फिर जो है इस तरह से उसको घुमाते हुए अंदर डालते हैं। घुमाने से ये फ़ायदा होगा जो सील है वो बाहर नहीं निकलेगी, वो थोड़ा बहुत नुकसान भी नहीं उसको होगा। तो इस तरह से हमने इसको डाल दिया है, सील जो है वहीं के वहीं है। अब जो एग्जॉस्ट वाल है उसको भी हम इंजन ऑयल लगा के अंदर डाल देते हैं। इसको ऑयल लगा के ही डालें, ये डायरेक्ट डालेंगे तो कई बार सील जो है जल्दबाजी में निकलने का खतरा रहता है। और जो सील डालें उसको बिना इंजन ऑयल के डालें तो बेहतर, क्योंकि यदि ऑयल लगाएंगे उस पर तो वो कई बार खिसक सकती है। और ये इनलेट हिस्सा है इसका जहाँ से हम एक वाशर रखेंगे, और उसके बाद ये लॉक हम यहाँ पे लगाएंगे। चाहे तो आप पुलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम तो केवल एक 10 mm का पैनल लेते हैं और उसके साथ इस तरह से लॉक कर देते हैं, क्योंकि इसका जो हेड है वो फिटिंग करना बड़ा ही आसान है। इस तरह से हमने इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों ही वाल जो हैं देख सकते हैं फिटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो है हमें इसकी कैमशाफ्ट पहले डालनी है, और कैमशाफ्ट डालने के बाद जो है इसके जो रोकर हमने निकाले थे उसको वापस से डाल देना है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दें, जो पिन होती है उसमें एक साइड में जो है चूड़ी होती है, थ्रेड निकला होता है, देख सकते हैं अंदर चूड़ी निकली है, वो हिस्सा जो है आपको बाहर रखना है, क्योंकि जब हम इस पिन को निकालते हैं उस समय जो है हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए इस साइड को बाहर की तरफ रखें। और जिस हिसाब से हमने रोकर को निकाला था उसी हिसाब से वापस लगा देते हैं, और पिन को जो है इस तरह से सेटिंग करके अंदर की तरफ पूरा निकाल देते हैं। और चलिए हमारे हेड में ये चीज़ तो फिटिंग हो गया, साइड प्लेट पे ये पैकिंग है, एक तरफ जो खुला हिस्सा है वो पंप वाली साइड में लगाएं जहाँ से जो ऑयल है इंजन ऑयल वो हेड के अंदर जाता है। और इस तरह से जो है उस पर 2 8 mm के बोल्ट लगाएं और उनको टाइट कर दें। अब एक फिलर गेज का इस्तेमाल करें और 0.10 mm जो है इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों साइड का इस तरह से फ्री प्ले करके उसको डालें, जिस साइड में ये ना डालें उस साइड में उसको एडजस्ट कर दें, और दोनों साइड में इस तरह से फ्री प्ले रखें। हो सके तो गेज जो है आप अच्छी कंपनी के यूज करें, क्योंकि गेज का जो मामला है सबसे मैंने देखा है, मैंने 2-3 बार गेज जो है चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि साइज में जो बड़ा डिफरेंस होता है। तो गाइज हमने जो इसका पिस्टन था उसको बोरिंग करा दिया है, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोरिंग कराएं, पिस्टन ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं, तो ये ठीक है। अब चलिए इसमें रिंग को डालते हैं, इसके रिंग है, रिंग को सबसे पहले आप एक बार चेक जरूर कर लें, जो इसमें रिंग है वो डालें इस तरह से, और उसको यहाँ से चेक करें उसके अंदर वो फ्री है या नहीं, ठीक है। जब आप उसको इस साइड से निकालना चाहिए रिंग को, देखिए वहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, ये गैप देखिए, बिल्कुल मामूली सा गैप है ये वाला यहाँ पर, ठीक, ये रहना ज़रूरी है।
और यहाँ तक रिंग जो है वो लास्ट तक इस तरह से लेके आएं, और एक गैप शुरू से लेके लास्ट तक एक ही रहना चाहिए, जहाँ से रिंग चलता है वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसके रिंग भी सही है। चलिए अब इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये हिस्सा जो होता है पिस्टन का ऊपर की साइड में रखना होता है, इनलेट और ये एग्जॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्पेसर रिंग लेंगे। अब ये स्पेसर रिंग आपको ऐसे डालना है, देखिए यहाँ पर आपको कट मिलेगा, ठीक है। ये कट जो है आपको यहाँ पर इस तरह से डालना होता है, और इसको जो है आप W बनाएं। यदि आप इस तरह से देखेंगे तो ये W बनना चाहिए, देखिए। यदि आप पिस्टन को ऐसे देखते हैं तो ये W बनेगा, और यदि पिस्टन को आप ऐसे देखेंगे इस स्पेसर के साथ तो ये M बनेगा, ठीक है। तो इसका मुंह इस तरह से रहना चाहिए ऐसे, और ये जो है आपको पिस्टन है जो सा उसकी पिन है उसकी सीध में कभी नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होगी तो जो हमारा पिस्टन रिंग है वो जल्दी ही स्मोक दिखाना लगेगा, ठीक है। उसको कम से कम आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं करना इसकी सीध में, ठीक है। आप चलते हैं इसके जो ऑयल रिंग है, ये जो रिंग होते हैं ये बाइक का धुआं जो है उसको रोकते हैं ताकि वो स्मोक ना दिखाए। तो उसको आपको इस तरह एक बार दबा के देखना है किस साइड में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो उसी साइड में इस तरह से जाता है ऐसे, तो उसको जो है आपको इस तरह से डालना है। और जो दूसरा रिंग है, दूसरा रिंग भी आपको इस तरह से दबा के देखना है, उसको आपको उल्टा डालना है इस तरह से, उसके बाद आता है तीसरा रिंग जो ब्लैक कलर का होता है। ये कंप्रेशन रिंग होते हैं दोस्तों, ये जो दो रिंग है बाइक के अंदर जो किक जो टाइट लगती है वो इन्हीं रिंग के कारण लगती है। और जब आप रिंग डालें तो उस पर GTP लिखा है, और GTP के साथ लिखा होता है यहाँ पर थोड़ा फोक्स, ये टॉप टू, ठीक है। टॉप टू का मतलब है ऊपर से दूसरा, और ये टॉप टू आपको ऊपर रखना है, नीचे नहीं करना। तो ये टॉप टू ऊपर की तरफ रखना है, हमें इसको इस तरह से डाल देना है। और उसके बाद ये तीसरा कंप्रेशन रिंग है, और इस पर भी ऐसे लिखा है टॉप, इस पर टॉप वन लिखा होता है, इस पर नहीं लिखा है। इस पर जो रिंग निकले हैं हीरो के साथ वो GTV के निकले हैं, तो इसको हम ऐसे डालेंगे, जो लिखा हुआ हिस्सा है वो ऊपर का रखेंगे, ठीक है। अब हमने रिंग तो डाल दिए, अब रिंग डालने के बाद जो है हमें इनकी सेटिंग करनी है डिग्री के हिसाब से, क्योंकि सही डिग्री पे होंगे तो रिजल्ट उतना ही बेस्ट आएगा। तो गाइस जो रिंग है उसकी सेटिंग मैंने कर दी है, ठीक है। जो हमारी जालिश है उसको हमने यहाँ पे रखा है, उसको आपको बस पिन की सीध में नहीं रखना। और जो इसके ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग का कट देखिए कि यहाँ पर रखा गया है और एक यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो मतलब के जो ऑयल रिंग है उसका इनलेट की तरफ यहाँ पर 45 डिग्री पर, और यहाँ पर 45 डिग्री पर करना है। और जो दूसरे रिंग है ये वाले जो कंप्रेशन रिंग है उनको भी हमें 45 डिग्री पर यहाँ पे करना है, और 45 डिग्री पर यहाँ पे, जैसा कि इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ उसमें आप पूरी डिटेल से देख सकते हैं। तो अब हम इस पर इसको इंजन ऑयल लगा के इसके अंदर डाल देते हैं। और तो भाई देखिए हमने इसको अंदर डाल दिया है, अब हम इसको जो है कम से कम 3 या 4 बार जो है इसको अंदर बाहर करेंगे इस तरह से दोनों तरफ से, और उसके बाद इसको बाइक के पास ले जाके फिटिंग करेंगे। लीजिए दोस्तों हमारे जो पिस्टन रिंग है वो बाइक में यहाँ पर सिलेंडर में डल चुके हैं। चलिए अब बाइक के पास चलते हैं और आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो गाइज आप सबसे पहले सिलेंडर का पैकिंग लगा दें इस तरह से, और उस पर यहाँ पर एक रबड़ का जो रिंग है वो लगाएं ताकि यहाँ से लीकेज वगैरह ना हो सके। तो और उसके बाद पिस्टन आपने पहले ही डाला हुआ है, और ये क्रैंक की सीध में ला के इस तरह से डाल दें। एक बात का ध्यान रखें, हमने लॉक जो है जो राइट साइड है उस साइड में लॉक पहले ही लगा रखा है जहाँ से हम पिस्टन पिन डाल रहे हैं, हमें सिर्फ अब इस साइड का लॉक लगाना है। और लॉक लगाते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखें
लॉक जो है आप जो ऊपर ये कट वाला हिस्सा होता है जहाँ पर 78 लिखा है वहाँ पर लॉक का कट वाला हिस्सा ना करें, लॉक का जो कट वाला हिस्सा है जहाँ से कट होता है ये सिरा ये वाला, ठीक है, वो नीचे रखें। वहाँ से कई बार लॉक जो है, मैंने ऐसे केस देखे हैं, लॉक जो है निकल जाता है वहाँ पर जब पिन जो है वाइब्रेशन होती है, बाइक ज़्यादा स्पीड में होती है उस समय ये लॉक वहाँ से खिसकने का खतरा बना रहता है। और इस तरह से आप पिस्टन को जो है अंदर पुश कीजिए और टाइमिंग चैन को इस तरह से आगे निकालिए। टाइमिंग चैन हमने वही रखी है क्योंकि बाइक अभी ज़्यादा नहीं चली। और यहाँ पर रोलर को जो है हमने सेटिंग करके इस पर जो बोल्ट लगाया था मैम का रोलर बोल्ट वो हमने लगा दिया है। टाइमिंग चैन की बात की जाए तो टाइमिंग चैन इसमें वही है जो पहले सबलेंडर प्लस में आती थी, वही चैन है। और यदि कीमत की बात की जाए तो 135 रुपये आज की डेट में इसकी MRP है। और यहाँ पर जो सिलेंडर है उसमें एलन की बोल्ट को आप लगा दें और यहाँ पर चैन को पकड़ के आप इस तरह से किक को लगाते रहें। यहाँ से आप पेंचकस के थ्रू चैन को पकड़ें, उंगली से ना पकड़ें। कई बार चैन जो है जो क्रैंक है वो किक लगते समय अंदर खींच लेती है जिससे आपकी उंगली वगैरह कट सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है पिस्टन को दो चार बार आगे पीछे कर लेना है और उसके बाद जो है जो हेड में पैकिंग लगता है उसको लगाएं। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर आपको कोई भी रिंग या जो पहले डावल आती थी कॉलर डावल उसका इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे रिंग वगैरह भी नहीं लगाना है, ये बिल्कुल प्लेन पैकिंग लगेगा। और उसके ऊपर हेड को जो है आप इस तरह से फिट कर दें और टाइमिंग चैन को आगे निकालें और चैन को निकालने के बाद जो है इस तरह से आप उसको लगा दें। और यहाँ पर जो एलन की बोल्ट है वो फिर टाइट कर दें और चैन को इस तरह से रोक दें, जो बीच में बोल्ट लगा होता है लंबे वाला उस पर चैन को रोक सकते हैं। और यहाँ पर पैकिंग लगाएं तो ये कट वाला हिस्सा ऊपर रखें और एग्जॉस्ट वाला हिस्सा नीचे रखें इस प्लेट का। उल्टी लगाएंगे तो प्लेट टूट जाएगी या फिर लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर चार वाशर रखें और यहाँ पर कॉपर की वाशर जो है राइट साइड में नीचे की तरफ होगी क्योंकि यहाँ पर जो है पंप का प्रेशर बनता है। और उसके बाद जो हमारी टाइमिंग चैन की स्पॉकेट है उसको लगा लेते हैं। यहाँ पर आप टॉप पे रखें मैग्नेट को। अब टाइमिंग की बात की जाए, टाइमिंग सेम वही है जब पहले बाइक में होता था, लेकिन जो वेट है वो ज़्यादा दिए गए हैं। और इस तरह से जो है इसका टाइमिंग आप सेट करें, ध्यान से देख लें उधर टी पे और इधर इस मारक की सीध में। और हमने इस बाइक का जो टाइमिंग है वो सही कर दिया है। उसके बाद जो 8 mm के इस पे बोल्ट लगे हैं उनको टाइट कर लें और जो साइड प्लेट है उसको आप वापस से ऐसे ही लगा दें। और इस तरह से जो साइड में 10 mm का एक बोल्ट है उसको टाइट कर दें जिससे जो है लेफ्ट साइड की साइड प्लेट है वो रुक जाएगी। और जो एल्बो है उस पर जो 8 mm के बोल्ट लगे हैं उनको टाइट कर दें। और ये टेम्परेचर सेंसर है उसको लगाएं। टेम्परेचर सेंसर लगाते समय इसमें एक कॉपर की वायर लगी होती है उसको लगाएं और जो कपलर आपने निकाला था उसको वापस लगा दें। और आपने जो थ्रोटल के कपलर निकाले थे वो भी लगा दें। और ये एक्चुएटर है जिसे कुछ भाई चौक भी बोल रहे हैं, हालांकि ये चौक नहीं होती, तो उसका भी आप कपलर लगाएं। और यहाँ पर उसके बाद जो इंजेक्टर है उसको एक बार आप स्विच ऑन करें यहाँ से पाइप लगाने से पहले, ताकि जो कचरा वगैरह इसमें गया हो वो निकल जाए। और उसके बाद इंजेक्टर का जो पाइप है उसको इस तरह से लॉक कर दें। तो हमारी जो बाइक है वो लगभग कंप्लीट होने पे है। अब साइलेंसर वगैरह है उसको भी लगा लेते हैं। तो गाइज लगभग बाइक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब एक काम बाकी है। इसमें जो यहाँ पे लाइट आती है वो हमें सबसे पहले हटानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले जो है एक कपलर निकाल लेते हैं। मैं आपको स्टार्टर की दिखाता हूँ, अभी वो लाइट आ रही है। देखिए बाइक स्टार्ट हो चुकी है और ये लाइट इसमें आ रही है, ठीक है। वैसे तो बाइक ओके है, लेकिन अभी इसको कोडो क्लीन करते हैं, फिर आपको ये स्मोक वगैरह है नहीं वो दिखाता हूँ। तो गाइज अभी मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो बाइक स्टार्ट करने पे जहाँ यहाँ पे लाइट आ रही है तो इसको हमें क्लीन करना है। तो ये हमारे पास एक स्कैनर है जिसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। देखिए एकदम से कनेक्ट होता है, स्विच काटेंगे तो ये बंद हो जाएगा और स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इस आप इसकी स्पीड देखिएगा, हम जैसे ही इसको इंटर दबाएंगे ये तुरंत इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो वाह देखिए
पाँच सेकंड से पहले जो है बाइक के साथ कनेक्ट हुआ, छह कोड इसने दिखा दिया, आपने जो सेंसर निकाले थे, छह सेंसर आपने निकाले थे। तो अब हमें यहाँ पर एक बार इंटर करना है और यहाँ पर स्क्रॉल पर नीचे जाना है इरेज कोड पे और इसको इरेज करना है और यस करना है। तो यहाँ पर जो है अब हमने इसको इरेज कर दिया है, तो अब ये लाइट बंद हो जाएगी। चलिए बाइक का स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं लाइट गई या नहीं। तो देखिए गाइस बाइक की जो लाइट है वो चल गई है, बड़ा फास्ट स्कैनर है, इसके पूरी डिटेल मैं बना चुका हूँ पहले भी, आप इसको चाहें तो खरीद सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की बारी लास्ट में। तो इंजन की साउंड आप सुनिए, इंजन की साउंड बहुत ही अच्छी बन चुकी है, ठीक है। तो अब एक्सीलेटर देखते हैं,